गोरखपुर के कैंपियनगंज स्थित एक आश्रम में सोमवार की रात चौकीदार की पत्नी का पीट कर हत्या कर दी गई। महिला के सीने और गले पर गहरे घाव के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीने पर चोट से मौत की पुष्टि हुई है। पत्नी के साथ ज्यादती का विरोध करने पर बदमाशों ने पति के साथ भी मारपीट की और उसका सिर फोड़ दिया था। पुलिस ने पति की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मृतिका अपने चौकीदार पति के साथ ही आश्रम में एक कमरे में रहती थी। सोमवार की रात महिला पति के साथ अपने कमरे के बाहर अलाव ताप रही थी। तीन बदमाश बाउंड्री वॉल कूद कर आश्रम में दाखिल हो गए। जोर जबरदस्ती कर रहे बदमाशों का पति ने विरोध किया तो मारपीट कर उसका सिर फोड़ दिया। फिर पत्नी को घसीट कर घर के एक किनारे ले गए और उसके बाद हत्या कर दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। हाँ, ये 31 तारीख की रात का मसला है और रात में 2 बजे के आसपास जैसे ही हमें पता चला 12 बजे के बाद, हमने सीओ और एसपी दोनों को मौके पर तुरंत ही भेजा है। मामले की संगीनता देखते हुए एक महिला का हत्या का मसला था और इसकी कल देर रात तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें किसी अभी तक के दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है डॉक्टर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और उसके पति की तहरीर पर भी कोई ऐसी बात नहीं लिखी है कि जिसपे इस तरह की बात सामने आए। पति की तहरीर पर हमने तुरंत ही मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश चालू कर दी है और जो भी तफ्तीश में सामने आएगा और हम किसी भी दशा में इनको ढूंढ करके निकालेंगे कि ये किसने किया है।